वेलकम बैक टू आर्बिट्रेज सेंट्रल। हमने अधिकतर ये देखा होगा जब भी हमारे इंडिकेटर्स या जो भी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होती है, जब भी हमें बाय और सेल सिग्नल देती है, वो बहुत डिले बाय और सेल सिग्नल देती है, उससे पहले बहुत सारा मूव हो चुका होता है, जिसकी वजह से हम पूरा प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते। तो जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पैटर्न्स होते हैं, वो हमें ये डिले से बचा सकते हैं। आज ऐसे ही दो मैं प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या पैटर्न्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जिसको आप देख के ये बता सकते हैं, आप पहले ही एसर्टेन कर सकते हैं कि बुलिश या बेरिश मूव आने वाला है। ये दो पैटर्न कहलाते हैं हैमर और हैंगिंग मैन। हैमर कैंडलस्टिक्स बनते ही है जब भी एक डाउन ट्रेंड होता है उसके बॉटम में, और जो हैंगिंग मैन पैटर्न बनता है वो एक अप ट्रेंड में टॉप पे बनता है। हैमर कैंडलस्टिक विक बड़ी होनी चाहिए और जो बॉडी, जो रियल बॉडी होती है उस कैंडलस्टिक की, वो बहुत छोटी होनी चाहिए। सेम वे हैंगिंग मैन में भी होना चाहिए। आइए इसको चार्ट पे देख लेते हैं। चार्ट पे देखने से पहले आज का मार्केट का रिव्यू कर लेते हैं, पोस्ट मार्केट रिव्यू। आज पूरे दिन में जो प्राइस रेंज रहा है वो हमारा एक नैरो रेंज में चला है। कोई एक डाउन ट्रेंड मूव नहीं रहा, ना कोई एक अप ट्रेंड मूव रहा। 100 पॉइंट्स की एक रेंज थी, उसी 100 पॉइंट्स की रेंज में मार्केट ऊपर और नीचे होता रहा। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ से सपोर्ट ले रहा था बार बार, इस वाले जो जोन में था, इस जोन से बार बार सपोर्ट ले रहा था, क्योंकि ये जो हमारा रेजिस्टेंस जोन था, और जब प्राइस रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो वो सेम जोन हमारा सपोर्ट बन जाता है। यहाँ पे देखिए, प्राइस यहाँ पे आके गिर गया था और सेम प्राइस ने यहाँ पे उसको, उसी जोन को तोड़ा, और वही सेम जोन हमारा सपोर्ट बन गया। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था आज मार्केट में पूरे दिन। और सेम वे आप देखिए, जो यहाँ से प्राइस बार बार आके रिवर्स हो जा रहा था, वो इस वजह से था क्योंकि कल जो हम देखेंगे, जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन था, मार्केट वहाँ से आके बार रिवर्स हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा एक जोन था, एक बहुत स्ट्रॉन्ग जोन था, यहाँ पे सेलर्स थे। तो सेम आज भी वही हुआ, जब भी मार्केट इस जोन में आया 9323 के ऊपर और 9332 के बीच में, तब तक सेल ऑफ हुआ और मार्केट वापस अपने पुराने सपोर्ट पे आ गया। तो एक ये जोन ट्रेडिंग हुई है आज मार्केट में, और दोनों एक डिमांड और सपोर्ट जोन था, और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन था। तो हमें ये मार्केट में ये भी देखना होता है कि मार्केट किस जोन में ट्रेड कर रहा है, और उस लेवल के अकॉर्डिंग हमें ट्रेडिंग करनी होती है। तो आज का जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो मैं आपको अच्छे से समझा देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, ये हैमर कैंडलस्टिक बना है, और ये हैमर कैंडलस्टिक कब बना है, एक डाउन ट्रेंड के बाद बना है, वो भी बॉटम में। और नेक्स्ट डे क्या हुआ है, नेक्स्ट डे मार्केट ऊपर गया है। तो हमें ये पहले ही पता चल गया था कि मार्केट बुलिश होने वाला है, और उसी के अकॉर्डिंग मार्केट ने बिहेव भी किया, अराउंड 100-200 पॉइंट्स का हमें मूव भी दिया था। ये हमारा एक हैमर पैटर्न बना था, और इसके वजह से हमारे एक ये बुलिश मूव मिला था। और ये देखिए, एकदम सही काम किया इस प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग इसने काम किया। सेम वे हम हैंगिंग मैन का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारी ये कैंडलस्टिक थी, ये एक हैंगिंग मैन थी, और ये एक अप ट्रेंड के बाद बनी थी, और उसके बाद देखे एक डाउन ट्रेंड भी आया उस कैंडलस्टिक के बाद। तो ये जब थी, ये ऐसा पैटर्न बने, जब हमारा अप ट्रेंड में ऐसा एक पैटर्न बने, और जब हमारा डाउन ट्रेंड में एक ऐसा पैटर्न बने, तो हमें इसे ट्रेड कैसे करना है। जब भी ऐसा कोई पैटर्न बने, तो आप चार्ट के अपने लेफ्ट साइड देखिए, वहाँ पे प्राइस कभी आके रिवर्स हुआ है क्या। अगर रिवर्स हुआ है तो उस जगह पे एक लाइन लगा दीजिए, और देखिए यहाँ पे देखिए, ये जोन पे आके मार्केट ऊपर गया है, तो मतलब ये सपोर्ट जोन था, और सेम मार्केट वहाँ पे आके रिवर्स होने का एक पैटर्न दिया है, तो हमारा ये एक रेजिस्टेंस जोन था। तो उस रेजिस्टेंस जोन से मार्केट फिर नीचे आ गया। अब सेम वे जब हमारा हैमर पैटर्न बना था, हम उसको देखते हैं, हमारा हैमर पैटर्न यहाँ पे बना था। तो जब हमारा यहाँ हैमर पैटर्न बना, तो हम लेफ्ट साइड देखेंगे और वहाँ पे एक लाइन मार्क कर देंगे, और देखिए यहाँ पे
प्राइस बार बार आके ऊपर गया है, प्राइस यहाँ पे आया फिर ऊपर गया, तो हमारा ये एक अप ट्रेंड मूव का सिग्नल दे चुका था और नेक्स्ट डे वही हुआ। और एग्जांपल एक देख लेते हैं, दो लगातार हमारी हैमर कैंडल्स बनी हैं, हम यहाँ पे एक मार्क कर देंगे लाइन और हमारे चार्ट के लेफ्ट साइड देखेंगे कि क्या हो। ये देखिए प्राइस यहाँ पे आया, सेल हो गया और प्राइस इसके ऊपर था, जो भी मार्केट ट्रेड कर रहा था इस लेवल के ऊपर था, तो जब प्राइस वहाँ से आके नीचे गया है तो प्राइस यहाँ इसके नीचे था, तो ये एक रेजिस्टेंस जोन था, और प्राइस जब इसके ऊपर था तो ये एक सपोर्ट जोन हो गया, तो ये हमारा एक सपोर्ट जोन था। और नेक्स्ट डे देखे क्या हुआ, एक बुलिश मूव, कितना बढ़िया, अराउंड 8400 से मार्केट 9100 तक गया, 700 पॉइंट्स आराम से आपको मिल गए। तो ये एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी बोल सकते हैं आप, और प्राइस एक्शन ट्रेडिंग पैटर्न भी कह सकते हैं। सेम वे यहाँ पे देखिए, फिर एक हैमर कैंडल बना, हमारा हैमर कैंडल जैसे कंप्लीट हुआ हमने एक लाइन मार्क कर दी, और यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे आया, नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया और फिर इसने अप मूव दिया, तो हमारा ये एक सपोर्ट जोन था। और जैसे यहाँ पे सपोर्ट जोन पे आया, हमने यहाँ पे एक बाय किया नेक्स्ट कैंडल पे, हमें आराम से 200 पॉइंट्स से 150 पॉइंट्स का एक मूव मिल गया। तो ये हमारी एक प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से हम बोल सकते हैं। एक और हम एग्जांपल देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी हैमर कैंडल बनी है, हमें वो भी दो बनी है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे इसको मार्क करेंगे, पीछे देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ पे आया, इसके ऊपर गया और फिर उसने बुलिश मूव दिया, तो हमारा एक ये सपोर्ट जोन था। प्राइस यहाँ आया और उसने यहाँ पे बेरिश मूव दिया, तो ये हमारा एक रेजिस्टेंस जोन था, अगर प्राइस इसको तोड़ता, ये जो कैंडलस्टिक हमारी बनी थी इसके नीचे आता, तो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन हो जाता, लेकिन प्राइस उसके ऊपर ही रहा और प्राइस यहाँ पे भी ऊपर रहा, तो हम इसको बाय करके चलेंगे और उसके लो का स्टॉप लॉस हमने आराम से यहाँ पे 200 पॉइंट्स का मूव कैप्चर किया। तो ये थी आज की ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड ट्रेड वेल।